स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका धर्म सर यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए लेकर आए हूँ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एग्जांपल नंबर 1 है। सबसे पहले हम इसको करेंगे, क्लास 11th की मैथ का क्वेश्चन है और बुक्स आपके पास होगी। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन डिग्री। तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया है कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशनशिप है। तो आप सभी लोग इससे पहले की वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। यहाँ पर क्वेश्चन है 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। और रेडियन मेजर का जो फार्मूला है, हमने आपसे बताया था कि जब डिग्री है तो पहले डिग्री को टोटल हम जो है डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को भी। उसके बाद उसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन हमेशा पाई में होता है, मतलब उस डिग्री को पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा डिग्री में आएगा। देखिए, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और एंड 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये सिंबल है मिनट का और ये सिंबल है सेकेंड का, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, ये सॉल्यूशन में क्या है कि यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, ये पहले इधर को ही देख लीजिए। ये है 40 डिग्री 20 मिनट को वी कैन राइट 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। मींस ये हो गया कि 40 डिग्री प्लस 20 अपॉन 60। ये देखिए, यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, तो ये भी डिवाइड 20/60 देन वैल्यू वी गेट इन डिग्री। मीन्स ये हो गया आपका 40 + 1/3 और इक्वल टू ये बन जाएगा 40/1/3 मीन्स 121/3 डिग्री। ये टोटल डिग्री में आ गया, क्या वैल्यू आ गई, डिग्री में आ गई। और जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो देन नाउ 121/3 डिग्री इज इक्वल टू 121/3 इंटू पाई अपान 180 और ये क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। ओके, अब इसे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, नहीं कैंसिल होता है तो इसको रहने दो। तो देखिए, यहाँ पर कोई नंबर डिजिट हमारा कैंसिल नहीं होने वाला है, इसलिए बन जाएगा 121/5/40 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, और यही इसका आंसर है। एनी डाउट, कुछ अगर आपको डाउट है, समझ में ना आए तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल की तरफ, सॉरी। आइए बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। हमें इसको जो है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, और ऐसे क्वेश्चनों को जब आपको करना हो तो आपको पहले उस फार्मूले को लर्न होना चाहिए कि अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर है 6 रेडियन, 6 रेडियन का मीन्स होता है 6 × 180/π। अगर पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई नीचे आएगा, लेकिन अगर रेडियन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर आएगा, क्योंकि हमेशा रेडियन पाई में ही आता है। और यू नो द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 और पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7 मतलब 7 ऊपर जाएगा, इसे कैंसल आउट कर दो 11, ठीक है। अब ये आपका इक्वल हो गया 540 × 7/11, मतलब हो गया 0.0, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे 11 से 3780 को 11 30 4 8 14 16
तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका रिमाइंडर आया है ये तो क्लियर हो गया 343 डिग्री है, मतलब ये हो गया 343 डिग्री इंटू 7/11 इंटू 7/11 इतना डिग्री आ गई। वी कैन राइट इट 347 प्लस 7/11 अब यू नो 1 डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट है, तो वी कैन राइट इट 60 और इट बिकम्स 347 प्लस 42/11 और जब ये अब ये क्या बनेगा, ये तो हो गया डिग्री लेकिन ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आपका 347 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा 39, ये हो गया मिनट इतना अपॉन 211 ये मिनट आ गया 38 मिनट इंटू 2/11 मिनट। नाउ वी कैन राइट 347 343 है बच्चों, ये 3 है 2/11 इंटू 60 कर दो तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, क्यों कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हो गया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है और ये आपका बन गया 343 डिग्री 38 मिनट प्लस अब ये हो गया 120/11 तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा और ये टोटल बन गया 343 डिग्री 38 मिनट और ये 11 × 11 = 110 10 × 99.9 सेकेंड ये आएगा लगभग ठीक है और यही आपका ये वैल्यू आ गया। ये क्या है हमारा डिग्री मिनट सेकंड तीनों में इसकी वैल्यू आएगी या इसका आंसर आएगा। अगला देखिए एग्जांपल 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट द इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ आर्क की जो लेंथ है 34 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है और इसमें जब अभी से पहले के वीडियो में हमने इसका डिटेल्ड बना दिया है कि हमेशा अगर कोई सर्कल है, सपोज मान लो ये सर्कल है ठीक है और यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कितने का है 60 डिग्री, यहाँ डिग्री गिवन है जबकि ऐसे फार्मूले में ये लेंथ हाफ आर्क हो गया, ये आपकी रेडियस हो गई तो लेंथ हाफ आर्क बराबर कितना है, सॉल्यूशन में लेंथ हाफ आर्क लेंथ हाफ एन आर्क इक्वल टू एल इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर, एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री और 60 डिग्री को हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180 करेंगे, क्यों क्योंकि हमेशा पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा और जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसका हमने फार्मूला भी बता दिया है वीडियो में कि एल बराबर आर थीटा होता है तो थीटा जो होगा हमेशा वो रेडियन में होना चाहिए तो पाई बाई 3 रेडियन आ गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल मेजरमेंट होगा वो रेडियन में ज़रूर होना चाहिए, विदाउट रेडियन के उसको सॉल्व हम नहीं कर सकते। ठीक है और आर आपका क्या है, आर हमें फाइंड करना, फाइंड द रेडियस आर को फाइंड करना है ठीक है। वी नो दैट आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा, ये फार्मूला होता है, क्या होता है एल अपॉन थीटा, एल अपॉन जो है 37.4 सेंटीमीटर है और थीटा हमारा कितना है पाई बाई 3 है, मीन्स ये हो गया 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई, ये तो आपको क्लियर हो गया वो कंसेप्ट, पाई बाई 3 हमारा थीटा हो गया ठीक है, पाई बाई 3 आपका क्या हो गया थीटा एंगल हो गया
और जब थीटा एंगल पाई बाई थ्री है, 37.4 इसका जो है लेंथ ऑफ आर्क है। अब इसको पुट दी वैल्यू आप पाई 37.4 इंटू थ्री इंटू सेवन अपॉन 22, यू नो पाई इजकल टू 22 अपॉन सेवन, तो ये वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ पाई, देन वी गेट 37.7 इंटू थ्री इंटू सेवन, क्योंकि 22 अपॉन सेवन में सेवन रिवर्स होगा। और इसको सॉल्व करना है तो देखिए ये कोई कैंसल आउट नहीं होना, दो से कटेगा ये आ जाएगा, ये हो गया, तो 18.7 इंटू 21 अपॉन 11, और 11 से कैंसल आउट हो गया 1.7, मीन्स ये हो गया 35.7, शायद यही आंसर है, हाँ ठीक है 30.57, ये सेंटीमीटर, ये क्या है, ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एग्जांपल नंबर 3 था, और शायद ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।